What is up guys, welcome back to another video। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको OnePlus के Bullets Wireless Z का रिव्यू दूंगा, कल के वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहा ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट यहाँ पर रिव्यू की OnePlus के Bullets Wireless Z का, और ये इंडियन मार्केट में आके तहलका मचाने वाला है। और जितने भी यहाँ पर ब्लूटूथ ईयरफोन्स यहाँ पर मिलते हैं उनकी ये शामत लाने वाला है। क्यों? क्योंकि गाइज इसके जो स्पेक्स हैं और जो जिस प्राइस पे ये लॉन्च होने वाला है वो सुन के आप भी सोचेंगे कि यार बहुत ही कमाल की चीज़ लॉन्च करी हुई है OnePlus ने। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, जानते हैं इस ईयरफोन के बारे में। गाइज वीडियो को शुरुआत करते हैं इस ईयरफोन के स्पेसिफिकेशंस को लेके। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन इसका ये है, अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको ये 10 घंटे का बैकअप देगा। कंपनी यहाँ पे 10 घंटे की बैकअप की बात कर रही है, बट अगर 10 घंटे का भी ना दे तो 6 से 8 घंटे का भी अगर ये बैकअप देती है सिर्फ 10 मिनट के चार्ज के अंदर, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि चला लूंगा यार ब्लूटूथ ईयरफोन्स अगर इतने टाइम चल जाए 10 मिनट के चार्ज पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे इसके फीचर्स की गाइस बात करते हैं, वो है कि ये वाला जो ब्लूटूथ ईयरफोन है ये वाटर रेजिस्टेंट है। हाँ, तो वाटर रेजिस्टेंस से फायदा ये होगा कि अगर आप वर्कआउट के वक्त या फिर ट्रेनिंग के वक्त को भी इसको यूज करते हैं ना गाइस, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपके नॉर्मल ब्लूटूथ ईयरफोन से ये एक लेवल ऐसे ही आगे चला गया। और दूसरी खासियत ये है कि अगर पसीने में आपका ये गीला हो जाता है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। सो गाइज अगर आपके रेजोल्यूशन है लॉकडाउन के बाद जिम जाने के, तो आराम से इस ईयरफोन को लेके आप जा सकते हैं। तीसरे फीचर की गाइज अगर हम बात करें, वो फीचर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, वो है लो लेटेंसी मोड फॉर गेमर्स। क्या है ये चीज़, लो लेटेंसी होती क्या है? सो गाइज एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पबजी खेलते हैं ठीक है गाइज, तो गाने सुनते वक्त तो हमें लेटेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जब हम पबजी खेल रहे होते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी साउंड में लैग आता है ना, तो एनिमी के फुटस्टेप्स की आवाज़ अगर हमें थोड़ी सी लेट आई तो वो चिकन डिनर जिसके लिए आप इनिशियल से खेल रहे हैं वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और उस चिकन डिनर को लेने के लिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे ईयरफोन से, ब्लूटूथ ईयरफोन से साउंड में लैग हो। तो गाइस अभी तक मैं वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें साउंड का लैग नहीं आता। मैंने जितने भी ईयरफोन्स देखे थे अभी तक सब में थोड़ा ना थोड़ा तो लैग आता ही था, और यही चीज़ है ना दिमाग में हर्ट करती थी कि नहीं यार ब्लूटूथ ईयरफोन्स नहीं लेना, सिर्फ गाने सुनने के लिए सही होगा, गेमिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और इस ईयरफोन में ये दावा करती है कंपनी कि लो लेटेंसी मोड है, और लो लेटेंसी के चलते सिर्फ और सिर्फ 110 मिलीसेकंड्स का गैप रहेगा, जो कि बहुत कम टाइम होता है गाइज। तो आप देख सकते हैं 110 मिलीसेकंड्स तो चुटकी बजाने से भी कम टाइम है, तो यहाँ पर लैग नहीं होगा। तो अगर ये लैग नहीं होता है तो इस ईयरफोन को मेरे से कोई नहीं बचा सकता, मैं इसको ज़रूर परचेज करूँगा। चौथा फीचर गाइज ये आता है कि ये ईयरफोन कोई एक दो कलर्स में अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट 4 कलर्स में अवेलेबल है। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा OnePlus की वेबसाइट का और Amazon का, क्या कर सकते हैं आप जाके कलर्स चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं तो 4 कलर्स जो अवेलेबल हैं वो है ब्लैक, ब्लू, ओक और मिंट। और मेरे पर्सनल फेवरेट कलर्स में आपको बता दूं तो पहला है ब्लैक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देता है, दूसरा है ब्लू क्योंकि वो भी बहुत शानदार लगता है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। ओक और मिंट मेरे को इतने खास पसंद नहीं है, बट अगर आपको पसंद है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज ये जो ईयरफोन्स हैं आपको मिल जाएंगे Amazon पे और OnePlus की वेबसाइट पे आराम से, और यहाँ पर अब आप दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाला हूँ। हाँ, तो अभी तक OnePlus के जो ईयरफोन्स आते थे ब्लूटूथ वाले वो उनकी प्राइस थी लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में, ठीक है। और ये वाला जो ईयरफोन है इसकी प्राइस है 1999 रुपीज़, बिल्कुल इसी प्राइस पर लॉन्च होने वाला है गाइज। प्राइस देख रहे हो कितनी रिड्यूस हुई है, फीचर्स इतने सारे हैं, प्राइस कम है। तो यहाँ पर जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे शाओमी हो गया या फिर रियलमी हो गए, इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है OnePlus की तरफ से। और आपको बता दूं कि OnePlus ने अगर इस प्राइस रेंज में लॉन्च कर दिया है ना ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स, तो यहाँ पर ये सीन है कि रियलमी और शाओमी भी इसी से कॉम्पिटिटिव यहाँ पर ब्लूटूथ ईयरफोन्स लाएंगी, और वो बेनिफिशियल होगा हम कंज्यूमर्स के लिए क्योंकि कम प्राइस रेंज में अगर हमें अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी मिले उससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोनों जो ईयरफोन्स के लिंक है OnePlus स्टोर के और Amazon के नीचे लिंक दे दूंगा, आप क्या कर सकते हो जाके वहां पर आपको एक नोटिफाई मी का बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर दो ताकि जैसे ही ये ईयरफोन्स इंडिया में अवेलेबल होते हैं
आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं गाइस। तो ये था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है मैं आपको इस ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में सब बता चुका हूँ, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई राय है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।